सदा मुक्तयोपि बद्धोऽस्मि भक्ति सुस्नेहरज्जुभिः अजीतोऽपि जीतोऽहं त्रयीरवश्योऽपि वशीकृतः त्यक्तो बन्धुजनस्नेहो मय्या कुरुते रतिम् एकस्तस्यास्मि स च मेन जन्नोऽस्त्यभयो सुहृदः सदा मुक्तयोऽपि बद्धोऽस्मि भक्तिषु स्नेहरज्जुभिः अजीतयोऽपि जीतोऽहं त्वयैरवश्योऽपि वशीकृतः त्यक्तो बन्धुजनस्नेहो मय्या कुरुते रतिम् एकहस्तस्यास्मि स च मेन चान्नोऽस्ति अभयो सुहृदः गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए भगवान भक्ताधीन है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए भगवान भक्ताधीन। निश्चित रूप में जान लेना भगवान भक्ताधीन है। भक्ताधीन गोविंद भगवत भक्तों सब क्या है, भगवान का शक्ति होने से भी इनके शक्ति सेवा का विचार अगर किया जाए तो भगवान से भी बढ़ के हैं गुरु वैष्णव, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो भगवान को कैसे सेवा किया जाए। जो भगवान से छोटा है, फीका है, वो भगवान का सेवा कैसे कर सके। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र होने से भी भक्तों सेवा का जो श्री है, जैसे किसी वैष्णव का नाम लिया जाए, गुरु का नाम लिया तो श्री बोलना जरूरी है। ये श्री जड़जगत का आदमी जैसे बोलता है ऐसा नहीं, ये श्री का अर्थ है सौंदर्य, सेवा सौंदर्य। ये श्री श्रीमती राधारानी का प्रतीक, राधारानी ही श्री हैं, श्री जी लाडली जी ऐसा बोला जाए। इसीलिए भगवान से भी बढ़कर है गुरु का गुरुत्व बहुत। प्रभुपाद कह रहे हैं अगर ऐसा ना है तो भगवान का सेवा कैसे करेगा। भगवान के बस में रखा है, भगवान को बस में कर लिया सेवा देकर, इसलिए भगवान से भी भारी है, भगवान से भी ऊपर है। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र होने से भी भक्तों का जो सेवा का श्री है सौंदर्य है, ये सेवा सौंदर्य का निकट अस्वतंत्र का न्याय हो जाता है, विवश हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इवधि। वस्तुतः सेव्य वस्तु का मर्मज्ञ अर्थात सेव्य वस्तु का हृदय में, सेव्य वस्तु का हृदय में प्रविष्ट होकर
सिव वस्तु का क्या ख्वाहिश है, क्या इच्छा है, आशा है, ये अगर जानकारी ना मिले तो सेवा कैसे कर पाए। सेवा मतलब सिव वस्तु का संतुष्टि विधान का प्रयास प्रचेष्टा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताए वस्तुतः सेव वस्तु का मर्मज्ञ नहीं होने से सेवा करना संभव नहीं है। इसीलिए उत्कृष्ट सेवक जो वास्तविक सेवक है, कभी भगवान का आदेश का प्रतीक्षा में रहते हैं, कभी सेव्य वस्तु भगवान का आंतरिक भाव क्या है ये सोच समझ के सेवा करना शुरू कर देता है। भगवान जैसे भक्तों का अंतर बिहारी है, बिहारी लाल, भगवान जैसे भक्तों का अंतर बिहारी है, भक्तों भी भगवान का अंतर बिहारी है। अंतर्यामी। इसलिए चिंता ना करे, आनंद से सेवा करना शुरू कर दे। अभी जो श्लोक देके शुरुआत किया था वहां क्या बताया, सदा मुक्तो योपि बद्धोऽस्मि भक्तिषु स्नेहो रज्जुभि। भगवान कहते हैं यद्यपि मैं सदा मुक्त हूं, बंधन और मुक्ति ये जो विषय है, मैं सदा मुक्त हूं। इसलिए ये कौन कभी बद्ध कभी मुक्त ये सब प्रसंग नहीं आ सकता। सदा मुक्त होने से भी मैं भक्तों का स्नेह सेवा के द्वारा वशीभूत हो जाता हूँ। सदा मुक्तो ओपि बद्धोऽस्मि भक्तिषु स्नेहो रज्जुभि। स्नेहो भक्तों का जो स्नेहो नामक रज्जु है, रस्सी है, रस्सा, इसके द्वारा मैं बंधन स्वीकार करता हूँ स्वयं। यद्यपि मेरा नाम अजीत है, अजीतो ओपि जीतो अहम तो ही अवसोपी वसीकृत। यद्यपि मेरा नाम अजीत है, फिर भी मेरे को जय किया जा सकता है। यद्यपि मैं किसी का वशीभूत नहीं हूं, फिर भी मैं वशीभूत हो जाता हूं, क्योंकि जो लोग आत्मीयों अपना सगे संबंधी रिलेटिव बंधुजन का स्नेहो पास छिन्न करके हमारा प्रति रति विस्तार किए हैं, एकमात्र ये लोग ही मेरा है, मैं भी ये लोगों का ही हूँ, अहम भक्त पराधीनो। और कभी कभी भगवान बोलते हैं शास्त्र में, जे मैं ये लोगों का वशीभूत हो जाता हूं। सुहित मतलब सवनियों हृदय, हर वक्त भगवान भक्तों का अधीन हो जाता है। इसलिए भगवान का कहना है भक्तों का मैं भक्तों का हूँ, भक्तों मेरा है। ब्रह्म संगीता का ये पांचवा नंबर श्लोक, पंचम अध्याय और पांच नंबर श्लोक का ही चर्चा पिछले कई दो एक सप्ताह से चल रहा है। और हमने पिछले दिन बताया था ये गोलोक धाम में जाना कोई मामूली बात नहीं है,
चारों ओर से प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे मिलिट्री एरिया प्रोटेक्टेड होता है ना, प्रोटेक्टेड एरिया है ना? ये तो हमारा जगत का मिलिट्री का जो एरिया है प्रोटेक्टेड है, और अप्राकृत जगत का सिक्योरिटी अब चिंता करो। अप्राकृत जगत का सिक्योरिटी कैसा हो सकता है, अब ये सोच लो, समझ लो क्या बात है। चारों ओर से प्रोटेक्शन है, इसका बारे में मैंने बताया था। दस दिख है, 10 directions, पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर ईशान अग्नि नैऋत वायु ऊर्ध्व अधो, ये 10 दिक चारों ओर से त्रिशूल है, 10 ट्राइडेंट प्रोटेक्शन दे रहा है। और अष्ट निधि जैसे महापद्मो पद्मो शंखो मकर कच्छ मुकुंदो कुंदो अनिल, ये 8 रत्न के द्वारा अष्ट सिद्धि तथा अष्ट सिद्धि भी 8 सिद्धि के द्वारा घेरे हुए हैं। हो गया, अष्टनिधि, हमने अष्टनिधि बताया, महापद्म पद्म शंख मकर कच्छप मुकुंदो कुंदो नि, और अष्ट ये 8 रत्न है तथा अष्ट सिद्धि के द्वारा सेवित है, अष्ट सिद्धि के द्वारा घेरे हुए हैं। ये क्या है, अनिमा लोगिमा महिमा गरिमा ईशित्व वशित्व प्राप्ति प्रकामो, ये अष्ट सिद्धि के द्वारा जुष्टम सेवित है। अष्ट दिक्पाल है, उसका बाद चारों ओर से ये आश्चर्य जगह है। ये कोई प्रवचन के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। अप्राकृत वस्तु को भी प्राकृत गोचर न है। अष्टो दस दस भी दस 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 दिक्पाल है, इंद्रादि 10 दिक्पाल है, परितो परिवेष्टितो आवृत है। चारों ओर से घेरे हुए हैं, और हमने बताया था गोकुल का बहिर्भाग में, गोलोक का बहिर्भाग में शेतोद्दिक नामक एक चतुष्कोण स्क्वायर जगह है, इसका बारे में वर्णन किया। चतुर्दी 4 खंड में विभक्त, एक भाग में वासुदेव संग, दूसरे में शंकरसन, तीसरे में प्रद्युम्न, चौथे में अनुरुद्ध। ये धर्म अर्थ का मुख्य 4 पुरुषार्थो, पुरुषार्थ का हेतु रूप हेतु स्वरूप मंत्रात्मक ऋक् साम जुजु अथर्व चारु वेद के द्वारा आवृत है। चारों ओर से घेरे हुए, ऐसा हमने बताया था। जिस जगह मेटेरियल जगत का टाइम स्पेस और मैटर का कोई इन्फ्लुएंस चलता नहीं, दिखता नहीं, बड़ा आश्चर्य जगह है ये गोलोक निरूपण, गोलोक निरूपण प्रसंग चल रहा है। ये गोकुल में शेतोद्वीप है बाहरी पोर्शन में, वैश अवतार, इसीलिए वैश अवतार शेतोद्वीप नाम नवद्वीप ग्राम इत्यादि बोल के खुलासा किया है, इंडिकेशन दिया है।
यही सेतुद्वीप का अंदर में ही गोकुल लीला का परिशिष्ट लीला द अपेंडिक्स पार्ट ऑफ कृष्ण लीला जिसका नाम है नवद्वीप लीला विद्यमान है व वर्तमान है। सो नवद्वीप मंडल ब्रजमंडल ग्लोक एक अखंड तत्व है, इसमें कोई अलग कुछ नहीं है। प्रेम वैचित्रगत प्रेम का डाइवर्सिटी प्रेम का वैचित्रगत अनंत भाव विशिष्ट उदित होके ये अलग अलग सा नाम धारण किया है। और ये और एक निगुण तत्व है, परम प्रेम भक्त महाजनगण साक्षात कृष्ण कृपा से ये स्थान का महिमा जान सकता है, बाकी आदमी का जानने का कोई चांस नहीं है, बाकी कोई जान नहीं पाता है। बाकी आदमी जान नहीं पाता है, संभव नहीं है, सब कोई का बस का। बड़ा आश्चर्य जगह है और धीरे धीरे बोल रहा है जो स्वर भूर भुव स्वर रूप त्रिलोकी मध्य गमनागमन करता है, कौन जड़ जगत में ऊर्ध्व अधो ये विन्यास के द्वारा 14 लोक डेकोरेटेड है। जैसे ब्रह्म संहिता में बाद में आएगा चर्चा में, देवी महेश धाम तेषु तेषु ते प्रभाव निचया विहितश्च येनो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। देवी महेश धाम तेषु तेषु, देवी धाम, महेश धाम, महेश धाम बोलते यहाँ ऑर्डिनरी कैलाश धाम नहीं बताया, या महेश धाम बोलने से सदाशिव का धाम जो ब्रह्म लोक अर्थात ब्रह्मा का लोक पार करके बिरजा पार करके ब्रह्म ज्योति पर्सनल ब्रह्म प्रेजेंस इसको क्रॉस करने से काट करने से फिर सदाशिव लोग आता है। और हमने बताया था बिरजा में बुद्धिस्ट जो लोग बुद्ध लोग है ये लोग का निर्वाण बिरजा में, और जो लोग मायावादी हैं और असुर राक्षस जिन लोगों को भगवान ने मारा है इसका था वह ब्रह्म ज्योति में। भक्तों लोगों में बहुत सारे विभेद है, आप लोगों को ये जानकारी है नहीं, आप एक जैसा ही दिखते हो, आपको लगता है कि सब एक ही है। सन्यासी परमहंसगण एवं सन्यासी परमहंसगण हरि के द्वारा मारे गए जो है हरिहतो दैत्यगण बिरजा पार होके चतुर्दश लोक अतिक्रम कर ज्योतिर्मय ब्रह्मधाम में आत्मलोप अत्यंतिक दुख का निवृत्ति वह आत्मलोप रूप निर्वाण लाभ करने में समर्थ है। भगवान का भक्तों का भी बहुत सारे विभाग है, अब कोई समझे तब ना। भगवान का परम ऐश्वर्य प्रिय ज्ञान भक्त है, शुद्ध भक्त है, प्रेम भक्त है, प्रेम पर भक्त है, प्रेमातुर भक्त है, बहुत सारे विभेद है, बहुत सारे विभेद।
आम आदमी को ये सब पता नहीं। जैसे ज्ञानी और मायावादी दोनों में क्या अंतर है, मायावादी को भी ज्ञानी बोला जाता है बट दे आर ड्राई ज्ञानी, ड्राई। जो लोग साधक ये लोग सत है, और जो लोग सिद्ध हो तारा महत है। महत दो किस्म का है, एक ज्ञान सिद्धि, ज्ञान सिद्धो ए भक्ति सिद्धो नाम है विख्यात। ज्ञान सिद्धि ओ मायावादी एक नहीं है, देखने में लगता है एक है। ध्यान दे इस बात पर, जो लोग साधक है वो लोग सत है, और जो लोग सिद्ध है वो लोग महत है। महत दो किस्म का है, एक है ज्ञान सिद्धो महत और भक्ति सिद्धो महत। ज्ञान सिद्धो और मायावादी एक जैसा लगता है कि लेकिन एक नहीं है। मायावादी कृष्ण चरण में अपराधी है, मायावादी कृष्ण अपराधी व कृष्ण चरण में अपराधी है। मायावादी कृष्ण अपराधी व कृष्ण अभक्त, ये लोग भगवान का नाम रूप गुण लीला को अनित्य मानकर अपराध कर बैठते हैं। अर्थात मायावादी चिदविलास का विरोधी है, अर्थात मायावादी चिद भगवान के नित्य चिद विलास का विरोधी है। लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं है, इसलिए मायावादी असत किंतु ज्ञानी सत, और ज्ञानी महत। ब्रह्मानुशीलनकारी साधकगण ज्ञानी सत, ब्रह्मानुशीलनकारी साधक ज्ञानी सत, और ज्ञान सिद्धगणी ज्ञानी महत। ज्ञान सिद्ध का मतलब है ये समदर्शन, ज्ञान सिद्धगण समदर्शन प्रशांत क्रोधहीन और सर्वजीवों का सुहृद है। चतुष्सन इत्यादि महापुरुषगण ज्ञान सिद्धो व ज्ञानी महत। सुखदेव पहले आत्माराम ज्ञानी थे, सुखदेव पहले आत्माराम ज्ञानी थे, बाद में मधुर रस तक आस्वादन किए थे। दुर्वासा ज्ञानी भक्त, ज्ञानी शांतरस पर्यंत अनुभव आस्वादन किया है दुर्वासा। भागवत साधुगण भक्त सत ज्ञानी महत को दूसरे भाषा के, ज्ञानी महत को दूसरे एक भाषा के द्वारा महाज्ञानी और भक्तो महत के महाभागवत बोला। महाभागवती श्रेष्ठ, महाज्ञानी ओ भागवत ये दोनों में ही महत्व शिक्षित होने से भी दोनों में एक जैसा लगता है कि लेकिन एक नहीं है। ज्ञान मार्ग में ब्रह्मानुशीलनकारियों महत, और भक्ति मार्ग में जो भगवत प्रेम लाभ किया है ये भी महत है। ये दोनों ही मुक्त पुरुष, ये तो पक्का बात है। किंतु महाज्ञानी से महाभागवत श्रेष्ठ, क्योंकि भागवत जी महापुराण का विचार है मुक्तानाम ओपी सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ पशंति आत्मा कोटिशूपी महामुनि, ये अत्यंत दुर्लभ है। सो ज्ञान सिद्धों से भक्ति सिद्धि बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। ब्रह्म संहिता का एक चर्चा करते हुए हम लोग
भगवान का परम ऐश्वर्य प्रिय ज्ञान भक्तो शुद्ध भक्तो प्रेम पर भक्तो और प्रेमातुर भक्तगण वैकुंठ में एवं परब्रह्म परम परब्रह्मात्मक अप्राकृत नारायण धाम में स्थिति लाभ करते हैं। और ब्रजानुगतो जो लोग ब्रजरस का अनुगत किया है ब्रजवासी का ब्रजानुगतो परम माधुर्योगतो भक्तगण केवल ये लोग ही गोलोक धाम लाभ कर सकता है, बाकी कोई नहीं। रस की भेद का अनुसार भक्तगणों का गोलोक में अलग अलग सा स्थिति फंक्शन अलग अलग सा विचार आता है। कृष्ण का अचिंत शक्ति के द्वारा ये निर्णित होके पड़ा हुआ है पहले से ही। शुद्ध ब्रजानुगतो शुद्ध ब्रजवासिक अनुगतो भक्तगण शुद्ध ब्रजानुगतो भक्तगण कृष्णलोक एवं शुद्ध नवद्वीप अनुगत भक्तगण गोलोक में अवस्थित हो जाते हैं। ब्रजो और नवद्वीप में ओक्य एक ही है, ब्रजधाम और नवद्वीप अलग, ब्रजधाम और नवद्वीप एक एक नहीं है, एक ही जैसा लगता है। ब्रजधाम और नवद्वीप एक जैसा ही लगता है। ब्रज और नवद्वीप अभिन्न, इसलिए गौर ब्रजाभेदो विशिष्ट प्रोग्राम गौर किशोर बाबाजी महाराज का ये अनुभव में उतारे। ब्रजो नवद्वीप का एक होने के कारण भक्तगण कृष्णलोक ओ गौर लोक जुगपत सेवासुख लाभ करें। आई बात समझ में? हर गौर लीला का जो भक्तों लोग है भगवान का पार्षद है, ये लोग का दो स्वरूप है। एक स्वरूप में नित्य वृंदावन का सेवा में लगे हुए हैं, और एक है भगवान का सेवा में लगे हुए हैं। भगवत भक्तों और यहां अचिंत शक्ति के द्वारा इन निर्णित होके पड़ा हुआ है शुद्ध ब्रजानुगत भक्तगण कृष्णलोक में। और हर एक गौरांग महाप्रभु का पार्षद जो है इनके इन लोगों का दो स्वरूप है। एक स्वरूप में नित्य वृंदावन धाम में नियोजित है, एक स्वरूप में गौर धाम में सेवा में नियोजित है। इस बारे में कार्तिक महीना में बताया था, उसका पहले भी बताया था, ये कैसे संभव है। और संभव हर हालत में है। एक ही रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी का रूप में राधारानी जुगल सरकार का सेवा में नियोजित, और एक दूसरा स्वरूप के द्वारा इन नवद्वीप धाम में सेवा में विराजमान है। दोनों जगह ही है, दोनों जगह ही है, दोनों जगह ही है। नरहरि प्रभु वहाँ मधुमती सखी वृंदावन धाम में, यहाँ नरहरि सरकट नरहरि प्रभु, ऐसा ही विचार है।
और धीरे धीरे भक्तिमय ठाकुर कह रहे हैं परम गोलोक एवं परम शतोद्दीप रूप सर्वोदयी अखंड गोलोक धाम रूपे विराजमान है। मूल तात्पर्य ये है कि ब्रजलीला रूप कृष्णलीला आस्वादन करके भी मूल तात्पर्य क्या है जे ब्रजलीला रूप कृष्णलीला आस्वादन करके भी रस का पूरा सर्वांश आस्वादन रूप सुख लाभ नहीं होने के कारण कृष्ण रसाश्रय रूपिणी राधिका भाव और कांति अंगीकार पूर्वक श्री राधया प्रणय महिमा कीदृश बनैवा स्वाद्य जैनाद्भुत मधुरमा कीदृशो व मदीयो सक्षंच अश्या मदन भगवत कीदृशम वेतिलोभाड्य समझनी शचि गर्व से। यह हमने बहुत बार बताया पहले श्रीमती राधा रानी का प्रणय विकार कृष्ण सोचता है सोचते रह गए और हमारा अद्भुत मधुरिमा ये क्या है जो राधा रानी आस्वादन करते रहते हैं ये भी एक कैसा चीज़ है और ये मधुरिमा अनुभूति से श्रीमती राधा रानी किस किस्म का कैसा सुख अनुभव करती है ये तीन विषय लेकर कृष्णचंदो शचि गर्व सिंधु में आविर्भाव हुए थे। वेदों में भी बताया गया और गीता में भी भगवान इस बारे में बताया रहस्यम ते बदिष्यामी क्या रहस्यम ते बदिष्यामी जन्नवी तीरे नवद्वीपे गोलोकाक्षे धामनी गोविंद दिभुजो गौरह सर्वात्मा महापुरुष महात्मा महायोगी त्रिगुणातीत सत्वरूपो भक्तिम लोके काश्यतीति। बहुत सारे श्लोक है एको देवो सर्वरूपी महात्मा गौर रक्त श्याम शेत रूप चैतन्यात्मा सब चैतन्य शक्ति भक्त्या करो भक्ति दो भक्ति वेद्यो। बहुत सारे ऐसा प्रमाण शास्त्रों में है जे गौरंग महाप्रभु राधा गोविंद जी ही इच्छा करके अवतीर्ण हुए हैं। बहुत सारे प्रमाण शास्त्र में हैं गौरंग महाप्रभु का आविर्भाव बारे में बहुत सारे प्रमाण हैं। वो समय लगेगा वो सब चर्चा करने में। नित्यानंद तत्व गौरंग तत्व सब अलग अलग सब विचार दिया गया। नित्यानंद तत्व भगवत तत्व बहुत सारे सब है। भागवत जी महापुराण में है कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम संग पांग अस्तपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रयर्जयंती ही सुमेधस। अगले वाला श्लोक हमने बताया था श्री राधया प्रणव महिमा कीदृशो बानईवा शाद जैनाद भूत मधुरिमा कीदृशो व मदीय सौक्षंच अश्या मदन भवत कीदृशम वेतिलोवात तद्भाड्य समझनी शचि गर्व सिंधु हरिन। भागवत जी महापुराण में कृष्ण वर्णम तिशा कृष्ण संग बांग अस्तपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती स्मेधस आसनो वर्णस्त्रयो
हि अश्व गृहत अनुयुगम तनुम शुक्ल रक्तस्तथापि तो इदानीं कृष्णतम इत्यम नेतिर्यग ऋषि देव झसावतारेर लोकानो विभावयसी हंसी जगत प्रतिपानो धर्मम महापुरुष पासी युगानुवृत्तम छन्न कलौ यद अभवः स्त्रीयुगो अथो शतम श्वेतशतर उपनिषद में लिखा हुआ है। श्वेतशतर उपनिषद में लिखा हुआ है महानो प्रभुर्वै पुरुषः सत्यशेष प्रवर्तकः सुनिर्मलम इमाम शास्त्रो सुनिर्मलम इमाम शांति मिशानु ज्योतिरभय श्वेतशतर उपनिषद में लिखा हुआ है महान प्रभुर वै पुरुषः सत्यशेष प्रवर्तकः सुनिर्मलम इमाम शांति मिशानो ज्योतिरभय सुवर्णवर्णे हेमांगो सुवर्णवर्ण हेमांगो वरांगो चंदनांगोदि सुवर्णवर्ण हेमांगो वरांगो चंदनांगोदि संन्यास कृत क्षम शांतो निष्ठा शांति परायण बहुत सारे प्रमाण हैं। ये हमने महाभारत दान पर्व से बताया। दूसरा अहमेव कश्चित ब्राह्मण सन्यास आश्रम आश्रित हरिभक्तिम ग्राहय स्वामी कलौ पापो हतानो नरानो आदि पुराण में है। आदि पुराण में लिखा हुआ है आदि पुराण में लिखा हुआ है अहमेव द्विजश्रेष्ठ अहमेव द्विजश्रेष्ठ अहमेव द्विजश्रेष्ठ नित्यम प्रच्छन्न विग्रह अहमेव द्विजश्रेष्ठ नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकानो रक्षामि सर्व। बहुत सारे प्रमाण है गौरांग महाप्रभु का वेद का बहुत सारे प्रमाण। हमने बताया था कैसे एक गोलोकधन का निरूपण प्रसंग में चर्चा किया था थोड़ा। और गोपाल चंपू में गोपाल चंपू नामक ग्रंथ में जीव गोस्वामी बाल लिखा है जस्यो खोलु लोकस्यो गोलोकस्तथा गो गोपावासरूपस्य शतदीपोतया चानस्पृष्टः परमशुद्धता समुद्बुद्धो स्वरूपस्य तादृश ज्ञानमय कतिपय मात्र प्रमेय पात्रतया संस्कृत में है ये लिखा हुआ है। ये चतुर्दश भवन अतिक्रम करने से फिर ज्योतिर्मय ब्रह्मधाम आत्मलोप रूप निर्वाण आत्मलोप रूप निर्वाण लाभ करता है। वस्तुतः भगवान का साथ मिलना संभव नहीं, परिपूर्ण रूप से मिलना संभव नहीं। एक उदाहरण दिया था जे एक तोता
उड़ के कहाँ चला गया ध्यान नहीं, चारों ओर हरियाली है, कहाँ जाए कि जाके बैठ गई ये पता नहीं, पंछी दिखता नहीं। और हमारा ऊपर ऊपर का जो विन्यास है भूर्भुवः स्वः महाजनो तपस्सत्व लोगों का, इसका बारे में थोड़ा, भूलोक में साधारण मानुष वास करते हैं, अंतरिक्ष में भूत प्रेत पिशाच उरोगो जो सब सूक्ष्म शरीर लेके सब है, स्वर्ग में स्वर्गवासी जिन लोगों का पुण्य बहुत है वो जाके स्वर्गवासी हो जाता है, स्वर्ग में भोग का बहुत सारे सामान है। तो कामी कोर्मी और गृहस्थगण भूलोक में रहता है, भूर भूव अस्वर ये त्रिलोक का अंदर आता आना जाना करता है, ये लोग आना जाना भूर भूव स्वर इसका बाहरी जाना है। इसका बाहर नहीं जा सकता, इसका अंदर में है, इसलिए बोले कामी कोर्मी जो लोग फ्रूटिव एक्टिविटीज के लिए व्यस्त है, कामी कोर्मी और गृहस्थगण भू भूव स्व त्रिलोक में यातायात करते रहते। बृहद्वतो ब्रह्मचारी तापस और सत्यपारायण शांत पुरुष निष्काम धर्म योग के द्वारा महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक सब तक जा सकता है, लेकिन जहां भी जाए जो कुछ भी करे ये आना जाना ये चलते ही रहेगा, इसका बाहर नहीं जा सकेगा, इसका बाहर संभव नहीं जाना, इसका वो चौदह इसका अंदर में ही ये लोग आना जाना करते रहते हैं। और सन्यासी जो परमंश है एवं हरि के द्वारा हतो मारे गए, ये सब जो है द्वैत दानव सब विरजा पार होके चतुर्थ लोकोत्तम करके ब्रह्म ज्योतिमय ब्रह्मधाम में आत्मलोप रूप निर्वाण, भगवान का परमेश्वर जो प्रियो ज्ञानी ज्ञानी भक्तों शुद्ध भक्तो प्रेम भक्तो प्रेम पर भक्तो ओ प्रेमातुर भक्तो, ये सब विभाग है। हमने चर्चा किया थोड़ा देर पहले, हमने बताया था जो लोग साधक है ये लोग सत है, और जो लोग सिद्ध है वो लोग महत है। महत दो किस्म का बताया था, ये लोग ज्ञान सिद्धो भक्ति सिद्धो हो सकता है, ज्ञान सिद्धो वो मायावादी बाहरी विचार में एक जैसा लगता है लेकिन एक नहीं है, मायावादी कृष्ण चरण में अपराधी है, कृष्ण का अभक्त है, ये लोग भगवान का नाम रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट अनित्य करके अनित्य मान के अपराधी हो जाते हैं, अर्थात मायावादी चित्त विलास विरोधी, किंतु ज्ञानी वैसा नहीं है, इसीलिए मायावादी असत लेकिन ज्ञानी सत ओ ज्ञानी महत ता नहीं। ब्रह्मानुशीलनकारी साधकगण ब्रह्म अनुशीलनकारी साधकगण ज्ञानी सत और ज्ञान सिद्ध गणी ज्ञानी महत। ज्ञान सिद्ध का अंदर में समदर्शन प्रशांत क्रोधहीन ओ हर जीवों का सुहित, जैसे श्री चतुष्ण प्रभृति महापुरुष ज्ञान सिद्ध
बा ज्ञानी महत, सुखदेव पूर्व अवस्था में आत्मारामी ज्ञानी थे, बाद में मधुर रस तक आस्वादन किए हैं। दुर्वासा ज्ञानी भक्त हैं, ज्ञानी शांतो पर्यंत अनुभव किया है, किए हैं ये दुर्वासा। भागवत साधक ज्ञान भक्त सत ज्ञानी महत को दूसरे भाषा में महाज्ञानी और भक्त को महाभागवत बोला जाता है। ये महाभागवती श्रेष्ठ है। मुक्तानाम उपी सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत्यात्मा कोटिशोपी महामुनि। ज्ञानी और भागवत का लक्षण क्या है? ज्ञान सिद्धि, ज्ञानी सिद्धि का लक्षण है ये लोग अपना शरीर का संबंधित अनुभूतियां ये खो बैठे। ज्ञान सिद्ध का लक्षण ये है ये लोग अपना शरीर के संबंध में अनुभूति खो बैठा है, हर वक्त ब्रह्म सुख में निमज्जित है। भक्ति का सिद्ध भक्ति सिद्ध का एक वासुदेव का पति प्रेम प्रेमी परम पुरुषत्व, इसीलिए और त्रिविधो महत जो है भक्ति सिद्ध तीन किस्म का महत हो सकता है। भक्ति सिद्ध तीन प्रकार का होता है। एक है मूर्छितो कषाय, अर्थात जिनके हृदय में अभी कषाय संस्कार वासना मूर्छित अवस्था में अत क्षीण क्षीण अवस्था में सामान्य विद्यमान है। क्या बताया? मूर्छित कषाय, अर्थात जिनके हृदय में कषाय अर्थात संस्कार व वासना समूह मूर्छित अत्यंत क्षीण होते गए और सामान्य अभी बाकी है। निर्धुत कषाय मतलब जे लोग का कषाय वासना संपूर्ण व्यक्ति रहित होके गया और भगवत पार्षद देहो बा नित्य लीला में प्रविष्ट जो है तीन नंबर। ताले मूर्छित कषाय, निर्धुत कषाय, प्राप्त भगवत पार्षद लीला प्रविष्ट। मूर्छित और निर्धुत कषाय ये लोग का भी बड़ा अलग अलग सा विचार तो है। अभी देखा जाए तो ये इसमें भगवान का परम ऐश्वर्य प्रिय ज्ञान भक्तो शुद्ध भक्तो प्रेम भक्तो प्रेम पर भक्तो प्रेमातुर भक्तवान वैकुंठ अर्थात पर ब्रह्मात्मक अप्राकृत नारायण धाम में स्थिति लाभ करता है और रागानुगा भक्त जो है ब्रजानुगत ब्रजवासियों का जो कृष्ण का प्रति जो अनुराग है प्रेम है इसमें वशीभूत होकर जो सेवा करता है ये लोग का राग भक्त है। ये राग भक्त का अनुगत जो है रागानुगा भक्त होता है। ब्रजानुगतो परम माधुर्युगत भक्तगण केवल गोलोक धाम में ही जाता है, नीचे नहीं आता है। रस की विवेक का अनुसार भक्तगणों का गोलोक का पृथक पृथक स्थिति भगवान श्री कृष्ण का अचिंत शक्ति के द्वारा निर्णित होके पड़ा हुआ है। शुद्ध ब्रजानुगत भक्तगण कृष्ण लोक में और शुद्ध नवद्वीप अनुगत भक्तगण गौरलोक में अवस्थित हो जाता है। और जो लोग ब्रजो और नवद्वीप में ओक्य एक ही है
ब्रजो और नवद्वीप में ऐक्यवशत हो भक्तगण कृष्णलोक और गौरलोक में जुगपत सेवा इन लोगों को मिलते रहता है। भगवान श्री कृष्ण का रसलीला पीठ है ये गोलोक है, हमारे परम ये जो परम लोक में गोपावास बोल के जो गोलोक बोला गया ये कृष्ण का रस लीला का पीठ है, कृष्ण स्वरूप रस लीला का पीठ है। अब और यही परम लोक लोक में ही अनन्य स्पृष्ट परम शुद्धता प्रकटित हो कोई एक अचिंत स्वरूप में तादृश्य ज्ञानमय कतिपय रस विषय स्वरूप आस्वादन पीठ सेतुद्वीप बला है। मतलब ये है वृंदावन में जैसे ब्रजवासियों का अनुगत्य में शुद्ध भक्ति है, गोलोक और नवद्वीप अलग नहीं है, सेतुद्वीप जिसको बोला जाता है अर्थात वृंदावन का जो लीला है उसका परिशिष्ट अपेंडिक्स पार्ट। प्रभुपाद अक्सर बोलते थे गौर लीला इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्रजलीला, ब्रजलीला का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ए नवद्वीप लीला है। इसमें भी प्रेम है, ये भी अत्यंत विशुद्ध प्रेम और इसका नाम है सेतुद्वीप। सेतुद्वीप ये अखंड जी द्वीप है, गोलोकधामी है। मूल तात्पर्य ये है कि ब्रजलीला रूप कृष्ण लीला आस्वादन करके भी मूल तात्पर्य ये है कि ब्रजलीला रूप कृष्ण लीला आस्वादन करके भी रस का हर पार्ट माने रस का सर्वांश में आस्वादन शुक्ला अर्थात एक एक रस का एक्सट्रीम जो एंजॉयमेंट यही सुख आनंद मिला नहीं। इसलिए कृष्ण रसाश्रय रूपिणी श्रीमती राधारानी का भाव और कांति स्वीकार कर जो हमने व्याख्या किया पहले आधा घंटा पहले, श्री राधया प्रणय महिमा कीदृश बनैवा श्रद्ध जीनाद भूतो मधुरिमा कीदृश व मदीय शोक्षण चाशा मदन भवत कीदृश बेतिलोभाद तद्भावाड्डोस समजनी शचिगर्भ सिंधु हरिंदु। अतः श्रीमती राधारानी का प्रणय महिमा किस प्रकार का है, भगवान सोचते रह गए, भगवान सोचते रह गए कि श्रीमती राधारानी का प्रणय महिमा कैसा है, वो हमारा भी अद्भुत मंदिर में क्या है जिसको राधारानी आस्वादन करके ऐसा आनंद लुटती रहती है, और हमारा माधुरिमा का अनुभूति में श्रीमती राधारानी का क्या सुख है उदित होता है। हमारा मधुरिमा जो राधा आस्वादन की ये कैसा किस प्रकार का है, और हमारा माधुरिमा अनुभूति करके श्री राधारानी का अंदर में क्या सुख का उदय होते है। तीनों विषय का लोभ, तीनों विषय के ऊपर जो लोभ है, लोभ की कारण कृष्ण चंदो स्वयं इसी पर्टिकुलर कलिकाल में, क्योंकि पर्टिकुलर ये द्वापर युग है, ये पर्टिकुलर द्वापर युग का बाद भी पर्टिकुलर ये जो कलिकाल यह आता है, अर्थात जिस द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन कृष्ण लीला करके अंतोध्यान करते, अंतोध्यान कोरी कोरे मने अनुमान, अंतोध्यान करने का बाद कृष्ण अनुमान लगाते हैं मैं लीला करके आया हूँ, आस्वादन भी किया है, लेकिन ज़्यादातर आदमी को समझ नहीं पाए और इसीलिए मेरे को दोबारा जाना पड़ेगा। इसीलिए जिस पर्टिकुलर द्वापर युग में भगवान आते हैं उसी का बाद जो कलयुग है इसी ये है, अर्थात 27वां चतुर्युग का अंदर में जो 27 चतुर्युग का बाद में जो 28 चतुर्युग है, 28वां चतुर्युग में ब्रह्मा का एक दिन में एक बार
जो ये जो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को जो पढ़ाया सिखाया ना, ज्ञानम परमम गुह्यम में जत विज्ञान समन्वितम स्वरहस्यम, ये जो स्वरहस्यम वेद में भी रहस्यम ते बदी स्वामी ऐसा बोल के भगवान ने बताया। वेदों ऐसे लिखा है डिफरेंट डिफरेंट जगह में, पुराण में भी है, बहुत सारे हमने श्लोक को दोहराया था दो मिनट पहले। जाह्नवी तीरे नवद्वीपे गोलोकाख्ये धामनी गोविंदो दिव्यो गौरो सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीतः सत्वरूप भक्तिम लोके काश्यति इति, बहुत सारे श्लोक है वेद में। एको देव सर्वरूपी महात्मा गौर रक्त श्यामल श्वेत रूप चैतन्यात्मा सवै चैतन्य शक्ति भक्त्या भक्त्याकारो भक्तिदो भक्तिवेद्यो। अर्थात इसका बांग्ला हिंदी में सुन लो, भगवान कहते हैं कि हम एक रहस्य आपको बताएं बोल के बोल रहे हैं। गोलोकाख धाम नवद्वीप में जाह्नवी किनारे अतः गंगा के किनारे द्विभुज सर्वात्मा महापुरुष महात्मा महायोगी त्रिगुणातीत तो शुद्ध सत्वरूप गोविंदो गौरचंद्रो लोके शुद्ध भक्ति प्रकाश करते हैं, करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। ये भगवान एक देव गीता में भी बोला है, एक एव देव, एको देव सर्वरूपी महात्मा एवं गौर रक्त श्याम एवं श्वेत रूपी, जो भागवत जी महापुराण में बताया, भागवत जी महापुराण में गौरगाचार्य जी ने बताया था, गौरगाचार्य जी ने बताया था, हमने बताया, गौरगाचार्य जी ने बताया। गौरगाचार्य जी ने ये तो बताया, कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम संग भंग हस्त पर्षदम इत्यादि श्लोक बताया भगवान। वेदव्यास निर्णय किया भागवत तत्व, और फिर महाभारत में भी है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगो चंदनांगदि संन्यास कृत क्षमा शांत निष्ठा शांति परायण। फिर मुंडक उपनिषद में है, जदा पश्यो पश्यति रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्मजोनिम तदा विद्वानो पुण्यो पापी विदुयो निरंजन परमम साम्यम उपेति। तो फिर मुंडक उपनिषद में जदा पश्य पश्यति रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम इत्यादि बताए। महाभारत में सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगो चंदनांगदि संन्यास कृत क्षमा शांत निष्ठा शांति परायण, सब एक ही सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगो है, ये सब सुवर्ण वर्ण दग्ध एकदम दग्ध हेम सदृश, अर्थात जब सोने को जलाया जाए तो और प्योर होता है। सर्वांग सुंदर चंदन लेपितो एक नवद्वीप में अवतीर्ण भगवान संन्यास आश्रम ग्रहण करेंगे, हरि रहस्य हरि नाम वितरण करेंगे, ऐसा संन्यास किच क्षमा क्षमादर्शी और शांतो निष्ठा शांति परायण, ये गौरांग महाप्रभु के बारे में बताया गया। अहमेव कश्चित् ब्राह्मण संन्यास आश्रम आश्रितः, क्या बताया, अहमेव कश्चित् ब्राह्मण संन्यास आश्रम आश्रितः हरिभक्तिम ग्रहयामि कलौ पाप हतानो नरानो। ये चैतन्य चैतामित में है,
उपपुराण वचन बहुत सारे आदि पुराण में है, अहमेव द्विज श्रेष्ठ नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकानो रक्षामि सर्वदा। हम द्विज श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण रूप में नित्यम प्रच्छन्न विग्रह मेरा परिचय नहीं देंगे, गुप्त रूप में भगवत भक्तों का भाव लेकर लोगों को हम रक्षा करने के लिए अवतीर्ण होंगे। ये सब बहुत सारे तत्व संदर्भ में बताया भागवत में सप्तम स्कंद में गुप्त रूप में बताया गया। इत्थम ने तिरयग ऋषि देव झषावतार लोकानो विभावसी हंसी जगत प्रतिपानो धर्मम महापुरुष पाशी जुगान वृत्तम छन्न कलौ जद अभव स्त्रीयुगो अथो शतम। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज प्रामाणिक व्यक्ति द्वादश महाजनों में एक जन, इसमें प्रहलाद महाराज कह रहे हैं हे कृष्ण आप नर रूप में तिर्यग रूप में ऋषि रूप में देव रूप में मत्स्य रूप में पशु रूप में अलग अलग स्वरूप में आप अवतीर्ण होके लोगों को पालन करते रहते हो और जगत का जो शत्रु है दुष्ट है दुष्ट दलन दुष्टों को विनाश करते हो। हे महापुरुष कली काल में भी जुगंधवृत्तो नाम कीर्तन धर्म प्रच्छन्न रूप में आप प्रचार करोगे, इसीलिए आपका नाम त्रियुग है। क्योंकि ये जो बास अवतार है ये प्रच्छन्न है, छुपा हुआ है, छन्न अवतार में जो छन्न अवतार मतलब जो छुपा हुआ अवतार है, जो प्रकाश में अवतार बोले नहीं अवतार, भगवान कभी बोलते नहीं हम भगवान हैं, गुप्त रूप में रहते हैं। श्वेत स्वर में तो बता ही दिया थोड़ा देर पहले, महान प्रभुर्वै पुरुष सत्यशेष प्रवर्तक सुनिर्मलम इमाम शांति मिशानो योतिरभ्य हे से पुरुष महान प्रभु स्वामी भगवान तिनी बुद्ध हर कोई का बुद्धिवृत्ति का प्रवर्तक है, ये इनके कृपा के द्वारा सुनिर्मल अर्थात सर्वदोष शून्य शांति सुनिर्मल बुद्धि प्राप्त कर सकता है कभी। ये ज्योतिर्मय है अर्थात मूर्तिमान होके ही अव्यय, ये ज्योतिर्मय पुरुष है अर्थात मूर्तिमान होके भी अव्यय, साधारण मूर्त पदार्थों का मापिक क्षयशील नहीं है, ऐसा करके बहुत सारे प्रमाण दिया गया। और ये सेतोद्वीप में जो हमने अभी तक गोलोक निरूपण प्रसंग में जो बताया, ये सेतोद्वीप में अर्थात गोलोक धाम का बाहरी पोर्शन एक्सटर्नल एक ही अखंड है, ये गोलोक तत्व ही है अखंड तत्व, फिर भी इसको अपेंडिक्स पार्ट जैसे एक किताब का परिशिष्ट पार्ट होता है ऐसा ही, जैसे किताब का परिशिष्ट पार्ट होता है ना ऐसे ही रहता है लेकिन अखंड है। इसका कई सारे प्रमाण शास्त्रों में हैं और पिछले दो एक सप्ताह से इस बारे में हमने चर्चा करने का कोशिश की। और ये गोलोक निरूपण का प्रसंगो अभी समाप्त होने वाला है, क्या क्या बताया था श्लोक को हम दोहराएंगे, अभी धीरे आप सुनने का कोशिश करें। सहस्र पत्र कमलम गोकुलाक्षम महत्पदम तत्कर्णिकार तद्याम तद अनंतांश संभव, ये बताया था याद है आपको, दो नंबर था। पहला नंबर था कि भगवान गोविंद इज द ओनली वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट, ये निरूपण था पहले।
और एक गोलोक निरूपण प्रसंग चल रहा है और सहस्रपत्रम कमलम गोकुलाक्षम महत्पदम तत्कर्णिकार तद्याम तद अनंतांश संभव। इसका बात बताया था कर्णिकारम महद्यंत्रम षडोकोणम वज्रकीलकम षडंगो षडवदिस्तानम प्रकृत्वा पुरुषेण च महानंदो प्रेमानंदो महानंदो रसेन अवस्थितम हि यत् यति रूपेण मोनुना काम बीजेन संगतम तत्किंजलकम तदंशानम तत्पत्राणि श्रियामपि। क्या बताया कर्णिकारम महज्यंत्रम षडोकोणम षठोकोणम वज्रकीलकम। क्या बताया कर्णिकारम महज्यंत्रम षठोकोणम वज्रकीलकम षडंगो षडपोदिस्थानम प्रकृत्वा पुरुषेण च प्रेमानंदो महानंदो रसेनावस्थितम हि यत् ज्योति रूपेण मोनुना काम बीजेन संगतम तत्किंजलकम तद अंशानम तत्पत्राणि श्रियामपि। ये बताया। इसके बाद गोलोक निरूपण में दो तीन ये तो हो गया, दो नंबर बताया, तीन नंबर बताया, चार नंबर भी बताया सब। ये जो लास्ट में तत् हैं ज्योति रूपेण मोनुना, ये चार नंबर है। पाँच नंबर में बताते लंबा श्लोक है। चतुरश्यम तत्परितः श्वेतोद्दीपाख्यम अद्भुतम। क्या बताया ध्यान से, योर अटेंशन प्लीज। चतुरश्रम तत्परितः श्वेतोद्दीपाख्यम अद्भुतम। चतुरश्यम चतुर्मूर्तेर चतुर्धामो चतुष्कृतम चतुर्भिः पुरुषार्थैश्च चतुर्भिर् हेतुभिर्वृतम् शूलैर् दशभिरानद्धो मूर्धार्धो दिग्विदिक्षुपि अष्टभिर् निधिभिर् जुष्टम् अष्टभिः सिद्धिभिस्तथा मनुरूपैश्च दशभिर् दिक्पालै परितोवृतम् श्यामैर् गौरैश्च रक्तैश्च शुक्लैश्च पार्षदोर्षभै शोभितं शक्तिभिस्ताभिरद्भुताभिः समन्ततः। ये जो लास्ट ये पूरा पांच नंबर एक दो तीन चार पांच मिलकर पांच नंबर। अर्थात अंतिम में जो शोभितः शक्तिभिस्तथाभिर् रद्भुताभि समन्ततः विमला आदि ये जो शक्ति हैं, ये शक्ति के द्वारा चारों ओर घेरे हुए हैं। इसका मतलब है जो गोलोक धाम में जाना चाहता है एक एक करके उसका एक एक करके इम्पीडिमेंट्स बाधाएं पार करना पड़ेगा। एक तो है शूल, चारों ओर हमने बता दिया दस दिक में। इसके बाद है श्वेतोद्दीप का चतुर्भाग में एक एक भाग में वासुदेव संकर्षण पद्युन्नो अनिरुद्ध विभक्त धाम चतुष्ट धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ लोगों को घेर लेंगे। ये तत्पुरुषार्थ के हेतु रूप मंत्रात्मक ऋक्षाम जो जो अथर्व रूप में चार वेद के द्वारा आवृत है। अष्टोदिक एवं ऊर्ध्वादो चारों दिक में दस शूल है ये हमने बताया। अष्टोदिक में महानिधि है, महापद्मो पद्मो शंखो मकर कच्छप मुकुंदो ये आठ रत्नों के द्वारा जे दर्शन करने के बाद आंखें उलझ जाएंगे इसी में और गोलोक जाना भूल जाएंगे। और मंत्र रूपी दस दिक में मंत्र भी दस दिक्पाल है और श्याम वर्ण गौर वर्ण रक्त वर्ण पार्षद भगवान का पार्षद सब विराजमान है।
घुसने नहीं देंगे। और विमला आदि अद्भुत शक्ति शकल, विमला आदि शक्ति शकल चारों ओर घेर के रखे हैं। गुरु जी भी बोलते थे, व्याख्या करते थे, ये जो गोलोक का आवरण देवता भगवान को घेर के रखे हैं, इसमें बहुत सारे देवता भी हैं, हैं? ये आवरण देवता, ये आवरण देवता का नाम सुन के आप सोचोगी कि हमारा इधर का देवता है, ये नहीं। विश्वसेन गणपति आदि बहुत विश्वसेन सब आवरण देवता भगवान को घेर के रखे हैं। उतना इजी नहीं है सब, हैं? ऊपर चढ़ने जाएंगे तो अपना कपड़ा खोल देंगे। गीता में ही भगवान बताया, जो लोग चाहता है कि मेरा पास पहुँचे, वो लोगों को बहुत सारे परीक्षा देना पड़ता है, जाने नहीं देते। सामान्य देवता लोग भी जाने नहीं देते। जब कोई भजन करते रहते हैं ना, ब्रह्मचारी सन्यासी लेते व्रत घोण करते हैं, देवता लोग उसका पीछे पड़ जाते। भगवान 11 स्कंद में बताया, हमने पहले भी आपको चर्चा की, जाने नहीं देंगे। वो बोले हम लोगों को अतिक्रमण करके जा रहे हैं, हैं? जाने नहीं देंगे। लेकिन बाद में जब देखेंगे, इसका सदगुरु का चरण में अनन्य भक्ति है। जब यही देवलोक, जब यही देवता लोग जो बधाएं डाल रहे हैं, जो ये लोग जब देखेंगे कि इसका तो गुरुचरण में अनन्य भक्ति है, बाप रे, तब ये लोग क्या करते हैं और इसको स्वार्थ करने में लग जाते हैं। सर्वगुणेशत्रु क्षमा सते सुरह हरो अभक्त को तो कुतो महदगुना मनोरथिन असतो धवतो वही। यह हमने बताया। जब देखें ये इसका तो अनन्य गुरु भक्ति है, हाय राम, तो इसका और सहायता करने में लग जाते हैं। 6 नंबर का शुरू हुआ, अभी गोलोक निरूपण का प्रसंग चल रहा था। और गोलोक ने हमने बताया था हर एक एक चैप्टर का क्या महिमा है, हम धीरे धीरे बताते चलेंगे। हमने ये पहला दिन बताया गोलोक निरूपण, पहले कृष्ण इज द ओनली ऑब्सर्वेबल ऑब्जेक्ट, ये चर्चा किया। इसके बाद चर्चा किया आपका गोलोक निरूपण प्रसंगो, श्रीधाम गोकुल निरूपण प्रसंगो, कृष्ण। अभी 6 और 7 नंबर दो श्लोक का चर्चा करेंगे, ध्यान देना, 6 नंबर और 7 नंबर श्लोक का चर्चा करेंगे। इसका भी डिवीजन पोपा जी ने निरूपण करके रखा है। कृष्ण का बहिरंग माया संग रहित्व, 6 नंबर और 7 नंबर में हम चर्चा करेंगे। कृष्ण इज नॉट अटैच्ड बाय बहिरंग माया, एक्सटर्नल जो माया है, माया का साथ कृष्ण का कोई कंटेक्ट नहीं है, फिर भी कृष्ण का ही है। योर अटेंशन प्लीज, ये है तो कृष्ण का ही है, किसी का और किसी का नहीं है, लेकिन बहिरंग कृष्ण का साथ बहिरंग माया का संग रहित्व, अर्थात कृष्ण इज नेवर टच्ड बाय बहिरंग माया। इसके बाद 8 नंबर और 9 नंबर हम चर्चा करेंगे। ये उक्तो माया का जो संगी है शंभुलिंगो तत्व, ये बाद में, अभी आप अटेंशन दे 6 नंबर और 7 नंबर पर, ज्यादा सोचने का दरकार नहीं। 6 नंबर में एवं ज्योतिर्मयो देव सदानंद परात्पर आत्मा रामश्चो तस्यास्ति प्रकृत्यान समागम। अब सोचो क्यों क्यों श्रीमन महाप्रभु, किम क्यों किस लिए श्रीमन महाप्रभु
इस ब्रह्म संहिता का ग्रंथ को इतना इंपॉर्टेंस दिया. इट इज द मोस्ट वाइटल सिद्धांत बुक, सिद्धांत विचार का एक किताब है जो महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत से लाए हैं. ब्रह्म संहिता का बहुत सारे भाग है, शायद महाभारत भी पार कर जाएंगे. ये 5 नंबर का जो पार्ट है, जो हम लोग का चर्चा का विषय है, महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत से लाए हैं, इतना इम्पोर्टेंट है. इसमें सारे तत्वों का निरूपण किया गया वेरी वेरी क्लियरली. और ये प्रत्यक्ष अनुभूतियां, ऑल दोज आर द डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मा हिमसेल्फ. व्हाट ही सॉ ही इज एक्सप्रेसिंग. इसीलिए 6 नंबर श्लोक पर ध्यान दे, एवं जतिर्मयो देव सदानंद परात्पर आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्वा न समागमः. इसका माने क्या है? इसका माने है वही गोकुलेश्वर चिन्मय परमेश्वर भगवान परात्पर अखिलेश्वर जो भगवान है, ये सदानंद स्वरूप, सदानंद स्वरूप. सदानंद मतलब इसमें आनंद का कोई छेद नहीं है. और दूसरा हिसाब से अगर विचार किया जाए, ये आनंद का हर अप्राकृत और प्राकृत कोई भी आनंद का अल्टीमेट सोर्स है. इस हर आनंद का अनंत और अनंत आनंद का जो सोर्स है, ये यही है भगवान सदानंद स्वरूप. एवं इसका कोई आगे पीछे कोई नहीं है. आगे कोई बोलेंगे ये इसका पहले कोई है, नहीं है. इसीलिए तो पहले शुरुआत किया ईश्वर परम कृष्ण. ये परम शब्दों के द्वारा ही इज द मोस्ट एंड एक्सट्रीम एब्सोल्यूट वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट. ये परम शब्द के द्वारा बता, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण. अर्थात परात्पर मैंने परात्पर मां, इसका आगे विषय और कोई नहीं. एवं जो आनंदमय स्वरूप है वो तो चिन्मय होगा ही. जो चिन्मय नहीं है वो आनंद नहीं है. जो आनंद नहीं है वो चिन्मय नहीं हो सकता. और जो आनंद है फिर भी चिन्मय नहीं है, वो मेटेरियल आनंद है. सीधा विचार, वेरी क्लियर. आनंद है लेकिन नित्यानंद नहीं है. एवर एग्जिस्टिंग एवर लास्टिंग एंजॉयमेंट नहीं है, तो ये क्या है? मेटेरियल एंजॉयमेंट है. सीधा बात है, बहुत क्लियर. तो एवं जतिनमयो देवः, ये देव है जतिनमय, जतिनमय देव है. ज्योतिर्मय मतलब चिन्मय परमेश्वर. ज्योतिर्मय व चिन्मय एक ही बात है. ज्योतिर्मय चिन्मय होने से उससे तेज निकलता है, ये ज्योतिर्मय हो जाता है. चिन्मय वस्तु ज्योतिर्मय, जैसे कि आपका आत्मा है, ए वेरी टीनी शो इनफिनाइट समाओ, फिर भी ये आपका जो आत्मा है, जो इन्फिनेटिस्मल है, ये आत्मा का भी ये भी ज्योतिर्मय है. समझा नहीं? आनंदमय चिन्मय है, आनंदमय है चिन्मय है प्रकाशमय है, ये तो होगा ही होगा. नित्य विराजमान है, प्रकाशमान है, आनंदमय है, सब इसमें रहता है, एक साथ जुड़ा हुआ रहता है. चिन्मय होने से इच्छा रहेगा, फ्री विल. चिन्मय होने से फ्री विल रहेगा ही रहेगा. तो ये वही गोकुल चंद्रमा, गोकुलेश्वर चिन्मय परमेश्वर सदानंद स्वरूप, और ये भगवान
परात्पर है, इसका पीछे कोई कारण नहीं है। और चिन्मय आत्मो जगती रमन परायण, कृष्णों का साथ ये मेटेरियल जगत का कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी इनडायरेक्टली भगवान से ही आया हुआ है। फिर भी बोले आत्मा रामस्य तस्यास्ति, समझा नहीं, धीरे धीरे पाठ करें। आत्मा रामस्य अर्थात जो व्यक्ति आत्मा राम है, जो अपना आनंद में डूबे हुए हैं, जो अपना आनंद में डूबे हुए आत्मा राम है, आत्मनि रमते इति आत्मा राम, ये आत्मा रामस्य, इसका भी बहुत बहुत अर्थ बड़े बड़े पंडित लोगों ने किया है। आत्मा रामस्य का व्याख्या ये भी हो सकता है, जो चिन्मय आत्म जगत अर्थात वृंदावन में रमनशील गोविंद है, रमन किसका साथ, राधा रानी का साथ, ये भी हो सकता है। सो आत्मा रामस्य, क्योंकि आप बोलोगे तो फिर राधा रानी के साथ आनंद करे तो कैसे आत्मा राम हो सकता, आप समझा नहीं, आप गलत समझा। राधा रानी जो है ये तो कृष्ण स्वयं ही है, जो कृष्ण वही राधा रानी, और जो राधा रानी वही कृष्ण है। स एव शा, इसलिए राधा रानी के साथ रमन करने से, गोपियों का साथ रमन करने से भगवान का आत्माराम भाव का छेद व विच्छेद नहीं हो सकता। आई बात समझ में, इट्स वेरी टिपिकल, रियली इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताविर्ज एव निज रूप तया कला भी, इसमें भी तो यही प्रमाण आएगा, आगे चलकर ये श्लोक आएगा, इसमें भी एक है। तो आत्मा रामस्य इस शब्दों का ये व्याख्या कर लो, एक होता है आत्मनि रमते इति आत्मा राम, ये तो ऋषि मुनियों की, अगर ऋषि मुनियों के साथ कृष्ण का कोई पार्ट, कोई अलग सा कोई स्पेशलिटी नहीं है तो क्या है। ऋषि मुनि कभी अपना शक्ति का साथ रमन नहीं करे, ऋषि मुनि का अंदर में या कोई किसी व्यक्ति ने आत्माराम अवस्था में पहुंच गया, जैसे सुखदेव गोस्वामी आत्माराम है, आत्मा में रममन है, अर्थात बाहरी किसी वस्तु व व्यक्ति के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। आत्मनि रमती थी आत्मा, चतुष्ण ये भी आत्माराम है, नवजगंद्रो ये भी आत्माराम है, आत्मनि रमती, और बाहर में कोई वस्तु दरकार नहीं। लेकिन अगर भगवान का भी एक ही व्याख्या कर दो तो क्या स्पेशलिटी हो सकता है। इसलिए हमने बताया यह आत्मा रामस्य शब्द का अर्थ, जो वही भगवान जो चिन्मय आत्म जगत में है अर्थात वृंदावन का अंदर में है, श्रीमती राधा रानी के साथ अपना ही शक्ति के साथ लीला रचाते हैं, ये गोविंद, इसका ही आत्मा रामस्य, इसका यही अर्थ ठीक बैठेगा, एग्जैक्ट बैठेगा। आत्मा रामस्य ध्यान दे, ये आत्मा राम है, इसीलिए ये आत्मा राम है, ध्यान दे, ये आत्मा राम है, जो व्याख्या हमने किया है उसी बैकग्राउंड पर ये आत्मा राम है। और इसीलिए तस्यास्ति अर्थात तस्य अर्थात कृष्णस्य गोविंदस्य अस्ति प्रकृत्वा न समागमः, ही हैज नो कनेक्शन विथ प्रकृति, ध्यान, ठीक है ना। तस्य अस्ति तस्यास्ति प्रकृत्वा मतलब प्रकृति का साथ, न समागमः नो अटैचमेंट नो कंटैक्ट नहीं, ये बात को ध्यान से समझे। ये बात समझने में अगर गलती बैठ गया तो पूरा के पूरा गलती बैठ जाएगा, ध्यान दे इस बात पर। अब भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कुछ विशेष लिखा है, इसका भी चर्चा करना जरूरी है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया
वही कृष्ण एकमात्र पराशक्ति स्वयं चित शक्ति रूपा गोलोक बा गोकुल लीला में प्रकट विहार करते हैं। इन भगवान का कृपा के द्वारा इनके जो ततस्थ शक्तिगत जीवगण, ये जीवगण, ये जो ध्यान दे भक्तिविनोद ठाकुर क्या विशेष, व्हाट इज द स्पेशलिटी, व्हाट भक्तिविनोद ठाकुर लाइक टू से, भक्तिविनोद ठाकुर का कहना है जे ये तो भगवान तो चिन्मय है, नित्य अपना गोलोकधाम में विराजमान, लीला लीला लीलायमान है, गोप गोपी समन्वित हो, लेकिन एक विशेष है भगवान का कृपा के द्वारा, भगवान का ततस्थ शक्तिगत अर्थात ततस्थ शक्ति से उत्पन्न हुए जीव सब, ये भी भगवान का कृपा के द्वारा भजन करके उसी भगवान का नित्य लीला में प्रविष्ट हो सकता है, अर्थात भगवान का शामिल, भगवान का लीला में शामिल हो सकता है, हर हालत में संभव है। असंभव तो है ही है, असंभव तो है ही है, गोलोक गोलोक निरूपण प्रसंग में देखा है हर हालत में असंभव है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बट स्टिल पॉसिबल, अगर पॉसिबल ही नहीं है तो हमारा दिल टूट जाएगा, हमको तो आशा लेके चलना है ना, ठाकुर जी कृपा करेंगे, ठीक है। और यही चित शक्ति रूपा जो अंतरंग शक्ति का बहिरंगा रूपा जो माया शक्ति, ध्यान दे जो पोपा जी ने बताया था, माया शक्ति का डेफिनेशन सुनो कान खोलकर, माया शक्ति का डेफिनेशन सुन लीजिए क्या है, भक्तिमय टोल कह रहे हैं भगवान का अंतरंग शक्ति ही वास्तविक शक्ति है, ये अंतरंगा शक्ति का बाहर कुछ ऐसा शक्ति है बोलकर महसूस होता है जिसका एग्जिस्टेंस संभव नहीं है अगर स्वरूप शक्ति नहीं है, समझा नहीं, द्वारा कह दे भगवान का अंतरंगा शक्ति स्वरूप शक्ति, शक्ति स्वरूप शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है लेकिन स्वरूप शक्ति नहीं रहने से जिस शक्ति का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहते रहती है, इसका नाम है माया शक्ति, जिसका बारे में ब्रह्म संहिता में आगे चलकर हम लोग देखेंगे, सृष्टि श्रुति पलय सदन शक्ति रेखा छैव जस्व भुवनानि विवर्ति दुर्गा, याद है ना क्या, सृष्टि स्थिति पलय सदन शक्ति रेखा छैव जस्व भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि जस्व च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषोत्तमहं भजामि। तो यही बात को खुलासा किया और कुछ नहीं भक्तिमन ठाकुर जी ने, ये सही सर्वशक्ति का छाया रूपा दूसरा अपरा अपरा परा और अपरा बहिरंगा माया शक्ति गोलोक का बाहर में आवरण स्वरूप वैकुंठ का शेष सीमा ब्रह्मोद्याम उसके भी पार जो बिरजा इसके भी पार बिरजा बिरजा का भी उस पार हटो 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 पीछे हटो पीछे हटो पीछे चलो पीछे हटा के एकदम बिरजा का उस पार भगा दिया, पर बिरजा नहीं का पर पार में ये रहती है, ऐसा मापिक परिशुद्ध अवस्था वही है, ऐसा मापिक परिशुद्ध अवस्था में यही बहिरंग शक्ति का साथ कृष्ण का कांटेक्ट होना तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो हंसी मजाक का बात है, माया देवी कृष्ण को देख भी नहीं सकती, संभव नहीं है। जो व्यासदेव जी ने देखा है ना, व्यासदेव जी ने देखा है,
जे भगवान का पीछे सर झुकाकर मस्तक अवनत करके विराजमान रहती है। भागवत जी महापुराण में है, वैष्णव जी ने दर्शन किया, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रितम, जिसका भगवान का साथ कनेक्शन बना हुआ है हर वक्त, कोई छेद नहीं है, इसका कंटिन्यूअसली एक फ्लो चलते रहता है, फ्लो हृदय में फ्लो चलते रहता है, कनेक्शन ऐसा बना हुआ है। सो तो माया देवी भगवान का दर्शन तो दूर की बात है, हंसी मजेक की बात है, हंसी मजेक की बात है इसका। ये तो भगवान को, भगवान का आमने सामने, भगवान का आमने सामने आने से भी समर्थ नहीं है, संभव नहीं है। कल हम इस विषय पे और चर्चा करेंगे, बड़ा मजा आएगा। भगवान का आमने सामने आने का भी हिम्मत नहीं है। जय आसन महितम जगतहा, और चंडी पाठ में तो और भी है बहुत सारे हैं, चंडी पाठ में तो और भी है बहुत सारे, बहुत सारे ऐसे हैं। चंडी पाठ में बहुत सारे ऐसे प्रमाण है, वो लोग बोलते, वो लोग जानते नहीं है, है? आनंदमयी माँ, ये लोग बोलते आनंदमयी माँ, अरे आनंदमयी माँ है, आनंदमयी माँ अगर बोले तो ये आनंद कौन सी जगत का आनंद है पहले सोचना पड़ेगा। ये बाहरी जगत का आनंद है तो ठीक है ले लो, लेकिन अंतर जगत का जो आनंद है ये इसका तो माँ, इसका तो अलग बात, अलग ही विचार है। आनंदमयी माँ, अगर ये लोग का बुद्धि अगर सही हो जाए तो आनंदमयी माँ बोलने से अंतरंग सुक्ति ही का अनुभव होता है। बाहरी माया को आनंदमयी माँ बोलने से दोष लगता है, क्योंकि ये माँ की कौन सी आनंद दे सकती, बाहरी जगत का आनंद। मैया दुखी होके रहती है, ये जो अभी हमने बताया ना, मस्तक अवनत करके झुके रहे, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मयंच तदपाश्रयम्। मैया का हिम्मत नहीं है, छाया माया का हिम्मत नहीं है कि भगवान के सामने आए शर्म के मारे, क्योंकि भगवान ऐसा सेवा देकर रखा है कि हर वक्त दुनियादारी का चीजों में लगे रहो, लड़का लड़की का चक्कर है, ये सब माया जगत का चक्कर है, अट्रैक्शन है, रिपल्शन, इसी में लगे रहो, किसी को उलझा दो, किसी को सुलझा दो, किसी को उलझा दो, किसी को सुलझा दो, यही काम है मैया का है, और कोई काम नहीं है। तो मैया दुखी रहती है बहिरंग माया, इसलिए भगवान का आमने सामने भी जाने में समर्थ नहीं। जो भी है इस बारे में हम कल और चर्चा करेंगे, और आज का विशेष ये है, ये बहिरंग माया का साथ भगवान का दर्शन तो दूर की बात है, भगवान का कांटेक्ट दूर की बात है, ये हंसी मजाक की बात है। माया देवी भगवान का सामने भी आ नहीं सकती। और सात नंबर में ये श्लोक बताकर आज विराम देंगे, विश्राम देंगे। मायाया और अमो मानुष्य, ध्यान दे, मैं प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दे, मायाया और अमो मानुष्यो न वियोगस्तया सहो आत्मना रमया रे में त्यक्तो कालम शिक्षया। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, काल हम इसका माने बताएंगे और बाकी आगे चल के शंभु लिंगों का बारे में बताएंगे। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, क्षमा करें, उपाय भी नहीं है, समय नहीं है। तो सदा मुक्तोर ओपि
सदा मुक्तो योपि सदा मुक्तो योपि बद्धोस्मि भक्तिषु स्नेहो रज्जुभि अजीतो योपि जीतो अहम् त्वयिरवशो ओपि वशीकृतः त्यक्तो बंधु जनो स्नेहो मयि या कुरुते रतिम् एकः स्तस्यास्मि स च मे न चान्नो अस्ति अव्ययो सुहृदः। हरिभक्ति सुदोदय से श्लोक बताया, वांछ कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु व्यवच्य पतितानं पावन भो वैष्णवभ्यो नमो नमः।